पाकिस्तानी रियल एक्शन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है चाणक्य नीति नाराज फ्रांस मान गया, भारत होगा भारत बनेगा पहला देश। मतलब गाइस, जैसा कि आपको पता है, मतलब फ्रांस ने कोई कल परसों खबर आ रही थी कि कोई डील कैंसिल कर दी थी वो सब मैरिन की। हाँ? तो मतलब वो पता नहीं क्यों नाराज था फ्रांस, वो तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन भारत ने उसको मना लिया और भारत अब पहला देश बनेगा। किस मामले में बनेगा वो तो हम वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। और चाणक्य नीति काम आई है, देखते हैं भाई क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूरोप दौरे का तीसरा दिन है और यह इस दौरे का अंतिम दिन भी है। और भारतीय प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। भारत पहला देश है यानी कि पीएम मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे, जब से वो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। यह दौरा सबसे अहम होने वाला है। आज सोशल मीडिया पर इवन कई सारे आर्टिकल में भारत की सबमरीन डील से फ्रांस के पीछे हटने की बातें कही गई है, जबकि ये न्यूज काफी पहले ही आ चुकी थी और हमने 3 दिन पहले इस पर वीडियो भी बनाई थी। लेकिन क्योंकि आज पीएम मोदी मैक्रोन से मिलेंगे तो इसको काफी ज्यादा हाईलाइट अब किया जा रहा है। आप रेफरेंस के तौर पर द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, फ्रांस नेवल ग्रुप पुल्स आउट इंडिया P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल आप देख सकते हैं, यह भी आज ही पब्लिश किया गया है, फ्रांस मिलिट्री फर्म क्विट्स इंडिया सबमरीन प्रोजेक्ट बिफोर पीएम मोदी विजिट। हालांकि इसे अभी फिलहाल बेमतलब का इशू बनाया जा रहा है। इस डील से पीछे हटने का कारण मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत की टर्म्स एंड कंडीशन थी, जिसके चलते न केवल फ्रांस ने बल्कि रशिया जर्मनी भी इस डील से अपने आप को पीछे कर चुका है। लायबिलिटी क्लोज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन मुद्दे के कारण ये कंपनी हटी है। ये भारत के लिए झटका जरूर है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर इसको लेकर भी नए सिरे से बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दौरा खासा अहमियत रखता है। इससे पहले जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फ्रांस गए थे तो वहां से एक बड़ी न्यूज इंजन को लेकर आई थी कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट MKIII के साथ मिलकर काम करेगी। अभी इस पर फाइनल मोहर हालांकि नहीं लगी है, लेकिन पीएम मोदी के इस विजिट पर इंजन को लेकर आखिरी मोहर लग सकती है। वहीं पर इस दौरे पर अमेरिका की भी निगाहें टिकी होगी, क्योंकि फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के F/A-18 में तगड़ा कंपटीशन फिलहाल चल रहा है। भारतीय नौसेना को एक एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित फाइटर जेट बेचने की होड़ इन दोनों ही देशों के बीच तेज हो चुकी है। पिछले हफ्ते अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने घोषणा की थी कि वो उड़ान परीक्षणों के लिए गोवा में भारतीय नौसेना परीक्षण सुविधा में 2 F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को तैनात करेगी। वहीं पर दूसरी ओर फ्रांस की मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि फ्रांसीसी सरकार कई महीनों से भारतीय नौसेना को 4 इस्तेमाल किए गए राफेल मरीन जेट की बिक्री का अध्ययन कर रही है। राफेल मरीन राफेल जेट का ही नेवल वर्जन है। राफेल ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में सर्विस दे रहा है। राफेल एम और सुपर हॉर्नेट को नेवी का कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सबसे आगे माना जा रहा है। भारतीय नौसेना को इस समय 57 फाइटर जेट की आपूर्ति शामिल होगी। ये जेट मुख्य रूप से भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से संचालित होंगे। पिछले ही दिनों द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ये खबर सामने आई थी कि फ्रांस भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए और F/A-18 से बढ़त हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए राफेल एम की बिक्री का अध्ययन कर रहा है, यानी कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए फाइटर जेट को भारत को बेचने पर विचार फ्रांस कर रहा है, जिससे भारत को समय पर ही इसे सौंप दिया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भारत 57 के 57 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करे हुए ही लेगा, बल्कि भारत अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को संचालित करने के लिए केवल 4 इस्तेमाल हुए राफेल एम को फ्रांस से खरीदेगा। अगर ऐसा होता है तो राफेल को एक बड़ा एज मिल जाएगा F/A-18 के मुकाबले। राफेल एम आकार में छोटा होने के कारण INS विक्रांत के लिए एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। वहीं पर इसमें उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक से लैस उपकरण होने के अलावा इसमें लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल को दागने की क्षमता भी है। यह एयरक्राफ्ट विशेष रूप से INS विक्रांत के लिफ्टों का आसानी से उपयोग कर सकता है, जो कि अमेरिका के F/A-18 के लिए आसान नहीं होगा। LA ट्रिब्यून ने दावा किया है कि भारत साल के अंत तक 26 नए नौसैनिक लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला कर सकती है। ये रिपोर्ट पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से कुछ दिन पहले ही सामने आई थी। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे में राफेल एम पर चर्चा होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। इससे पहले फ्रांस की तरफ से इंजन तकनीक ट्रांसफर करने की भी बात कही गई थी। हालांकि फ्रांस की कंपनी ने इस पर कुछ कंडीशन भी भारत के सामने रखी है, जिसके तहत सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ मिलकर इंजन का निर्माण तो करेगी, लेकिन उसको इसका इस्तेमाल अन्य एयरक्राफ्ट में करने की भी इजाजत उसने भारत से मांगी है। इंजन को लेकर फ्रांस का जो
कंपटीशन है वो ब्रिटेन से है और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की तरफ से भी काफी आकर्षित ऑफर भारत को दिया गया है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि भारत फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ ही जाएगा। कुल मिलाकर काफी बड़े बड़े ऑर्डर मोदी जी के इस दौरे से फ्रांस को मिल सकते हैं। वहीं पर SSN तकनीक पर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर जब फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भारत आई थी तो बातचीत हुई थी। उस समय फ्रांस भारत को सबमरीन देने के लिए राजी था, लेकिन भारत को सबमरीन नहीं बल्कि इसकी तकनीक चाहिए थी, जिस पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा था कि हम सबमरीन नहीं बल्कि तकनीक चाहते हैं और फ्रांस अगर तकनीक देने पर राजी होता है तो हम इस पर बात अवश्य करेंगे। SSN तकनीक भारत को देने के लिए अमेरिका तक ने मना कर दिया था और ये तकनीक केवल और केवल UN के स्थायी सदस्य देशों के पास ही है, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना के पास है। भारत का एक बड़ा डेलीगेशन PM मोदी की अगुवाई में पेरिस के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग करेगा, जिसमें रशिया, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, चाइना, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इस पर कोई भी डील या कोई अन्य खबर निकल कर आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब फ्रांस नाराज था, लेकिन इतनी डीले मतलब देगा मोदी जी के फ्रांस भी बोलेगा कि नाराजगी खत्म, अगली डीलों पे काम। यार अगर देखो रोल्स रॉयस के साथ इंजन की अगर बात छोड़कर, लेकिन कह रहे हैं ज्यादा सेफ्रॉन के साथ, सेफ्रॉन के साथ अगर मोदी जी शायद बात करें वो भी, और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अगर तुम्हें पता है फ्रांस का दौरा काफी ज्यादा मस्त होने लगा है, आज पता लगेगा। मतलब हाँ, मतलब ये डील फ्रांस ने कैंसिल नहीं की है, वो इंडिया ने अपने तरफ से कैंसिल किया क्योंकि तकनीक मानता था और वो तकनीक नहीं दे रहे थे। अमेरिका भी तकनीक नहीं देता, मतलब जाहिर बात है वो तकनीक इंडिया भी किसी को नहीं देता। इस वजह से हुआ, इंडिया कभी अगर तकनीक दे देता तो ये कभी भी मतलब कैंसिल ना होती डील, ना होती, जाहिर बात है। तो यार मुझे लग रहा है आज फ्रांस में मतलब मोदी जी हैं तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा बड़ी डील के कोई बड़ी डील होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है क्योंकि मोदी जी गए स्पेशल, उनको पता है कि वो कुछ न कुछ, मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं वो अपने देश लेकर आते हैं, अपने देश के लिए जो बेहतर होता है कुछ न कुछ बेहतरी करके आते हैं। आप देखो आज का जो दौर होने वाला है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या होने लगा है भाई, मतलब हाँ मतलब क्या क्या डील्स होने लगी है। और राफेल यार बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। उधर अमेरिका भी कह रहा है ना, टीम के टाइम में देखो रशिया से इंडिया खरीदता था तो दूसरे देश नहीं देते थे इंडिया को, मतलब अब इंडिया रशिया से भी लेता है और दूसरे देश भी देते हैं, दूसरे देश कहते हैं ये लो हमारे एयरक्राफ्ट, अब इंडिया कहता है अब मैं सबके चेक करूंगा, इंडिया चार यूज भी लेगा जिससे मतलब आइडिया एयरक्राफ्ट पे यूज करके चेक करेगा। देखो राफेल इंडिया पहले भी यूज कर रहा है तो उसको पता है कि कौन सी उसके लिए अच्छी होने होगी। गाइस आप लोग सारी इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हो, अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दो, आप मतलब क्या सोचते हो इसके बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं गाइस, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।